तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका अरशद गेमिंग पर। गाइस आज हम बात करेंगे पबजी के ऐसे आखिरी मोमेंट की जिसकी एंडिंग बहुत ही सैड हुई यार। और लेकिन शुरुआती वक्त काफ़ी कमाल के थे। आप वीडियो देखे, वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त है, कमाल की है, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। तो देखे वीडियो आप, बहुत ही कमाल का गेम प्ले यार, देखो। तो स्वागत है आपका एक और गेम प्ले वीडियो में। आज हम जाएंगे गाइस मिलिट्री बेस, लेकिन मैं पहले एक आधी गन ढूंढ लेता हूँ, क्योंकि पता नहीं वहाँ पर भी बंदे आए होंगे या नहीं, इसलिए मैंने सबसे पहले गन ढूंढना चालू करा। और मेरे सामने से एक गाड़ी गई गाइस, मैं उससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन देखिए उसने क्या किया और मैंने उसे मार दिया। फिर देखिए मैं उसके पीछे ही जा रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था, ऐसा बीच बीच में रोक कर। अपने पीछे बंदा आ रहा है तो ऐसा रोकना नहीं चाहिए यार बीच में। हालांकि अब वो मुझसे कई दूर चल गया था, बहुत दूर चल गया था, उसने रोकना नहीं था गाड़ी, तो उसने झाड़ के पास गाड़ी रुकाई अपनी और मैंने उसे देख लिया था। लेकिन मैं उसे मारना नहीं चाहता था गाइस, सच में मैंने उससे बात भी की, दोस्ती बढ़ाने को भी देखा मैंने। लेकिन वो कुछ कहने को, वो शायद मुझे मार भी सकता था, इसलिए मैंने डर के मारे उसे गोली चला दी और मैं निकल पड़ा मिलिट्री बेस पर। और मिलिट्री बेस पर कुछ सामान लूटा मैंने, अच्छी अच्छी चीज़ें। और गाइस मुझे दूसरे टर्नर पे एक बहुत ही बढ़िया चीज़ मिली है, चलिए आपको दिखाता हूँ मैं दूसरे टर्नर पे मुझे क्या मिला। और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ मिली, ये टर्नर तो बंद थी, आगे वाले टर्नर पे मुझे बहुत ही कमाल की चीज़ मिली। आप अगर मिलिट्री बेस आते हो तो टर्नर, ये जो टर्नर गुफा के जैसे, इसे भी देख लेना चाहिए आपने, क्योंकि यहाँ पर भी आपको लेजेंडरी चीज़ें मिल सकते हैं, जैसे कि मुझे मिली एक फ्लेयर गन। और ये फ्लेयर गन में सच में बहुत ही कमाल की चीज़ें निकले गाइस, मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या क्या निकले। और यहाँ पर मैं लूट रहा था तो बंदा भी आ गया था, पता नहीं कहाँ से आया वो बंदा, तो मैंने मार दिया उसे। वो चाहता था तो मुझे मार भी सकता था। तो मैं निकल गया, जोन आ रहा था, जोन करीब था, तो मैंने पहले ये देखा ये घर, तो मैंने M416 उठा ली यहाँ से, क्योंकि थॉमसन का टॉमी गन का कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए मैंने M416 उठा ली। वह M416 पे तो अपना भरोसा बहुत है, बहुत पावरफुल गन है M416। तो मैंने लूटा और मैं आगे वाले घर में भी देखने गया कि क्या क्या चीज़ें मिलते हैं। मैं ख़ास यहाँ K98 के वास्ते आया था गाइस, क्योंकि मेरे पास 6X था और यहाँ पर शॉटगन पड़ी थी, मैंने पहले से K9 समझ लिया था मैंने। तो यहाँ तो इतने कुछ चीज़ें नहीं मिली हमें, एक Level 3 का बैकपैक मिल गया बस, वो बड़ी बात थी। तो फिर ये सब देखने के बाद जोन बहुत ही करीब आ गया था, तो फिर मैं निकल गया जोन में, क्योंकि मुझे फ्लेयर गन भी चलानी थी। आप अगर जोन के बाहर फ्लेयर गन चलाते हो गाइस, तो आप पता है आपको क्या आती है, गाड़ी भेजते हो ड्रॉप में, तो कभी भी जोन के बाहर फ्लेयर गन मत चलाना, क्योंकि आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय गाड़ी के। तो चलिए हम पहले जोन में चलते हैं, फिर चलाएंगे फ्लेयर गन। तो जोन में आने के बाद मैंने फ्लेयर गन चलाई
और फ्लेयर गन में से क्या कमाल की चीज़ें मिले यार, क्या कमाल की चीज़ें, वाह, पूरा दिल खुश हो गया उन चीज़ों को देखने के लिए। वाह भाई वाह, AWM M249 प्लस AWM लेवल 3 का बैकपैक, ये सॉरी लेवल 3 का हेलमेट, कमाल की चीज़ें मिले। तो मैंने सब चीज़ें उठाया और मैं डायरेक्ट जोन के बीचों बीच चला गया, क्योंकि जोन के बीचों बीच जाने का मज़ा ही कुछ और है ना। गिली सूट था मेरे पास, मेरे पास एडवांटेज था, कई लोगों को मैं बिगर दिखे ही मैं उन्हें अटैक कर सकता था। तो मैंने ड्रॉप गिरता हुआ देखा हुआ और मैंने स्कोप लगा के देखा तो वहाँ पर एक बंदा था, शायद उन्हें भी फ्लेयर गन चलाई थी। इस बंदे ने मेरे दो गोलियां वेस्ट कर लिए, लेकिन तीसरे में डायरेक्ट हेडशॉट लगा उसे। तो थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे और एक बंदा दिखा, उससे भी डायरेक्ट सीधा हेडशॉट लगा गाइस। AWM को चलाने का मज़ा यार, वाह क्या बताओ मैं, क्या फीलिंग आती है AWM को चलाते वक्त। और इसके पास एटैक्स भी था तो मैंने एटैक्स रख लिया। पता नहीं किस गन को लगा रहा था एटैक्स, शायद मिनी 14 को लगी भी। तो फिर यहाँ पर एक गाड़ी आ रही थी, तो पता नहीं उस गाड़ी को बहुत ही ब्रूटल तरीके से सभी बंदों ने तोड़ फोड़ दिया था, और वो बंदा जैसे उतरा वैसे उसे हेडशॉट पड़ा, देखे आप। जैसे मैं उस बंदे को सिर्फ गाड़ी पे से उतरने का इंतज़ार कर रहा था, और जैसे ही वो गाड़ी पे से उतरा पट से हेडशॉट। तो फिर मैं जोन में गया तो मुझे गोली बरसनी चालू हो गई गाइस, पता नहीं उसने मुझे कैसे देख लिया, लेकिन मुझ पर गोली बरसना स्टार्ट हो गई थी। कैसे तो भी बचा मैं, अगर मुझे एक गोली भी लगती थी तो जाता था मैं भी। तो मैं जिगजैग तरीके से भागा पेड़ के पास, और मुझे उस बंदे की लोकेशन पता हो गई थी कि वो बंदा कहाँ पर है। तो फिर मैंने आगे जाके जल्दी से उसे स्कोप लगा कर देखा, और क्या हुआ फिर देखे आप, सांप बना हुआ था वो बंदा। आखिरी जोन में गए सभी ज़्यादा बंदे सांप ही बनते हैं, तो अच्छे से देखना। इसे पहला शॉट लगा लेकिन वो उसे कुछ नहीं हुआ, शायद उठ के भाग जाना चाहिए था उसने एडे ने गलती करा, झाड़ का उसका सहारा ले लेना चाहिए था उन्हें। कभी भी आप ऐसा मत करना। और गाइस इतनी खतरनाक एंडिंग हुई इस गेम की, मैं सच में मेरे पास M249 होते हुए भी पूरी मैच का हाथ मेरा हाथ में ही था पूरा मैच। लेकिन फिर क्या हुआ आखिरी में देखे आप, मुझे ना बंदे ने मारा ना किसी ने मारा, मैं खुद अपने हाथों से मर गया, आप सुसाइड भी कह सकते हो उसे। खत्म, इतना बुरा फील हुआ यार क्या कहूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, इन पहाड़ों का ऐसा ही खेल है। तो बस आपको वीडियो पसंद आई होंगी, तो ठीक है वीडियो यहीं तक थी, जाने तो होते रहता है ऐसा, क्या कर सकते हो गया तो, सही है ना। आपको अगर वीडियो पसंद आ गई होंगी तो लाइक कर देना, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, सब्सक्राइब को भी दबा देना, और सब्सक्राइब कर ही रहे हो तो बेल आइकॉन को भी दबा देना। तो मिलता हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।